हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलएस एकेडमी फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इन टुडेज वीडियो विल डिस्कस अबाउट द एनालिसिस सिंथेसिस मॉडल ऑफ कंपाइलर। एनालिसिस सिंथेसिस मॉडल क्या है कंपाइलर का, किस पार्ट में कौन कौन से आपके फेसेस आते हैं कंपाइलर के, इसके बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी सिंपल कंसेप्ट है एनालिसिस एंड सिंथेसिस मॉडल का। इस मॉडल में हम क्या करते हैं कि कंपाइलर के जितने भी फेसेस होते हैं उन फेसेस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक पार्ट आपका कहलाता है एनालिसिस पार्ट, दूसरा पार्ट आपका कहलाता है सिंथेसिस पार्ट। इसके अलावा जो एनालिसिस पार्ट के कंपोनेंट्स हैं दे आर कम अंडर द कैटेगरी ऑफ फ्रंट एंड, और जो सिंथेसिस पार्ट है इसके कंपोनेंट आते हैं अंडर द बैक एंड। फ्रंट एंड बैक एंड मॉडल ऑफ कंपाइलर भी यही है आपका, फ्रंट एंड में ये आएंगे, बैक एंड में आपके सिंथेसिस वाला पार्ट आएगा। अब एनालिसिस में क्या है, एनालिसिस वाला पार्ट क्या कर रहा है कि जो सोर्स प्रोग्राम है सोर्स प्रोग्राम को एज ए इनपुट लेता है और एज ए इंटरमीडिएट कोड रिप्रेजेंटेशन इसको कन्वर्ट कर देता है। यानी एनालिसिस जो आपका पार्ट है, जब आप इसको इनपुट देंगे किसी भी सोर्स प्रोग्राम को या सोर्स कोड को, तो एज ए आउटपुट एनालिसिस पार्ट लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस, सीमेंटिक एनालिसिस और फोर्थ आपका फेज इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, उसके बाद जो कोड प्रोड्यूस करेगा उसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट कोड रिप्रेजेंटेशन। यानी एनालिसिस पार्ट के बाद आपको जो रिजल्ट मिला वो इंटरमीडिएट कोड मिला। ये जो आपको रिजल्ट मिला, ये जो दूसरा पार्ट है जिसको हम बैकएंड कहते हैं, सिंथेसिस पार्ट कहते हैं, ठीक है, उस पार्ट में ये जाता है। और सिंथेसिस पार्ट क्या करता है, सिंथेसिस पार्ट आपके दो आपके फेजेस को इम्प्लीमेंट करता है, एक आपका कोड ऑप्टिमाइजेशन फेज और कोड जनरेशन फेज। और कोड जनरेशन फेज के बाद ये टारगेट प्रोग्राम को एज ए आउटपुट प्रोड्यूस कर देता है, यानी कि जिस भी टारगेट मशीन के अकॉर्डिंगली प्रोड्यूस करना है इसको, उसके अकॉर्डिंगली ये टारगेट कोड प्रोड्यूस करके आपको दे देता है। इसका मतलब है कि जो एनालिसिस फेज है या फ्रंट एंड फेज है, एनालिसिस फेज कह लीजिए, फ्रंट एंड फेज पार्ट कह लीजिए, दोनों में आपके कौन से आ रहे हैं, फ्रंट एंड या एनालिसिस में, लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस, सीमेंटिक एनालिसिस और इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, ये फ्रंट एंड या एनालिसिस वाले पार्ट में आते हैं। इसी तरीके से जो सिंथेसिस पार्ट होता है या बैक एंड वाला पार्ट होता है, इसके अंदर कोड ऑप्टिमाइजेशन फेज और कोड जनरेशन फेज आते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि एनालिसिस में हमने क्या लिखा है कि दिस पार्ट इज यूज्ड, यानी कि ये वाला पार्ट किस लिए यूज किया जाता है, टू डिवाइड द सोर्स प्रोग्राम, जो सोर्स प्रोग्राम है उसको डिवाइड कर देता है इंटू पीसेस एंड देन क्रिएट एन इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट सोर्स प्रोग्राम। सबसे पहले एनालिसिस पार्ट ने क्या किया, इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया और हर पार्ट पर अपना एक फेस अप्लाई किया। फेस अप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा वो क्या होगा, आपका इंटरमीडिएट कोड प्रोड्यूस करेगा आफ्टर द लेक्सिकल, सिंटैक्स, सीमेंटिक एंड इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। सबसे पहले लेक्सिकल एनालिसिस के बाद ये टोकन्स क्रिएट करेगा, उसके बाद सिंटैक्स एनालिसिस फेस में ये पार्ट्स रीजनरेट करेगा और चेक करेगा कि क्या ये ग्रामर्स के रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद सीमेंटिक एनालिसिस फेस में ये चेक करेगा कि क्या इसमें जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसमें कोई टाइप मिसमैच तो नहीं है, कोई ऑपरेंड मिसिंग तो नहीं है, कहीं फंक्शन आर्गुमेंट गलत तो नहीं डिफाइन किए गए, तो वो सीमेंटिक एनालिसिस करेगा। और उसके बाद ये आपका फोर्थ फेज में इंटरमीडिएट कोड जनरेशन में एक मशीन इंडिपेंडेंट इंटरमीडिएट कोड जो कि किसी भी मशीन के इंडिपेंडेंट होती है वो प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। और उसके बाद ये आपका बैक एंड वाला पार्ट काम करता है जिसमें कि ये ऑप्शनल फेज आता है कोड ऑप्टिमाइजेशन फेज, ये कंपल्सरी फेज नहीं है। इसमें हम क्या करते हैं कि कोड में जो भी रिडंडेंट डेटा होता है उसको हम एलिमिनेट कर देते हैं जिससे कि आपका स्पेस कम यूज हो और कोड ऑप्टिमाइज हो, जिससे कि लेस टाइम लगे कंपाइलेशन में और लेस टाइम लगे एग्जीक्यूशन में। और जो लास्ट फेज है कोड जनरेशन, वो क्या करेगा, ओवरऑल आपको एक टारगेट कोड प्रोड्यूस करके, जो कि असेंबली कोड भी हो सकता है, जो कि मशीन कोड भी हो सकता है, वो प्रोड्यूस करके देगा। अगर मशीन कोड है तो आगे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, और अगर इसने कोड जनरेशन फेज ने असेंबली कोड जनरेट करके आपको दिया है तो आपको असेंबलर का यूज़ करना पड़ेगा जिससे कि फाइनली आपका टारगेट कोड प्रोड्यूस हो सके। तो सिंथेसिस का हमने आपको बता दिया कि सिंथेसिस पार्ट भी क्या कर रहा है, ये वाला, ये आपका जनरेट कर रहा है डिजायर्ड टारगेट प्रोग्राम फ्रॉम द इंटरमीडिएट कोड रिप्रेजेंटेशन विच इज क्रिएटेड बाय द एनालिसिस पार्ट।
एनालिसिस ने जो इंटरमीडिएट कोड दिया था उसको यूज करके सिंथेसिस वाला पार्ट टारगेट प्रोग्राम क्रिएट कर रहा है। इसमें एक चीज आपको बता दें कि जब भी आप कंपाइलर बनाते हो, कोई भी आप कंपाइलर बनाओ, तो किसी भी हर कंपाइलर को बनाने के लिए आपको एनालिसिस और सिंथेसिस पूरा कंपाइलर बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप मान लिया आपने एक मशीन आर्किटेक्चर के लिए कंपाइलर बनाया, दूसरे के लिए कंपाइलर बना रहे हैं, तीसरे के लिए कंपाइलर बना रहे हैं, तो आपको हर फेज को के लिए अलग कोडिंग करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो आपका एनालिसिस पार्ट है और ये जो इंटरमीडिएट कोड जनरेट करता है, इट इज़ ए मशीन इंडिपेंडेंट कोड। यानी एक बार आपने इन फेसेस को इंप्लीमेंट कर लिया, उसके बाद आपको हर कंपाइलर के लिए इनको अलग बनाने की जरूरत नहीं है। इट मींस फॉर ऑल द कंपाइलर्स दीज फेसेस कोडिंग रिमेन्स द सेम। इनकी कोडिंग सेम रहती है, कोई सा भी आप कंपाइलर बनाएं किसी भी मशीन के लिए। सिर्फ आपको कोडिंग में कहाँ चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर कोड ऑप्टिमाइजेशन और कोड जनरेशन फेस में। ये आपका क्या होता है, मशीन डिपेंडेंट होता है। यानी कि किस पे डिपेंड करता है, टारगेट मशीन पे। जिस मशीन के लिए बनाना है उस मशीन के लिए इन दो फेसेस के लिए कोडिंग आपको करनी पड़ेगी। लेकिन ये जो कोड आपके एनालिसिस वाला पार्ट है, इट जनरेट्स ए मशीन इंडिपेंडेंट इंटरमीडिएट कोड। तो सारी मशीन, जितनी भी कंपाइलर जब सब किसी भी आर्किटेक्चर मशीन के लिए बनाए जाए, एनालिसिस वाला पार्ट सभी कंपाइलर में सेम रहता है। सिर्फ वेरिएशन किस में आता है, आपका सिंथेसिस वाले पार्ट में आता है। तो नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड द एनालिसिस एंड सिंथेसिस मॉडल ऑफ द कंपाइलर। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।